हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि लास्ट का जो 45 डेज आपका एग्जाम्स का रह गया है, तो इस टाइम पीरियड में आप कैसे अपने एग्जाम्स के लिए बेहतर प्रिपरेशन करके और अपने एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक ऑलरेडी फेज क्रॉस कर लिया, आपने प्रिपरेशन फेज अपना क्रॉस कर लिया है। आई थिंक कि आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपने प्रिपरेशन अपना खत्म कर दिया होगा, या 4-5% आपका कुछ बाकी रहा होगा तो उसको आप विद इन अ वीक आप फिनिश कर लेंगे। तो जो भी आपका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो ट्यूशन से आपने प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया होगा, वो पूरा आपने पढ़ाई अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि अब आपको अपने सेल्फ स्टडीज पे फोकस करना है, एज वेल एज आपको एग्जाम्स अटेंड करने हैं। जो भी एग्जाम्स, मतलब मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करने हैं, आपको एग्जाम्स देना है आपको, तो मेन एग्जाम्स के पहले आपको सेल्फ पे भी एग्जाम्स वगैरह प्रिपेयर देना होगा अपने ट्यूशंस में, या फिर सेल्फ से एग्जाम्स करो, लेकिन उसको एग्जाम्स आपको देने होंगे। इसके अलावा आपको अब जो प्रिपरेशन प्लान है, 45 डेज में आप कैसे अपने चारों पेपर के ऊपर पूरा बेहतर कमांड करके और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको 7 स्ट्रैटेजी लिख के यहाँ पे रखा है, जिसको जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक इसको देखना है, काफी बेनिफिट होगा और आपका एग्जाम्स क्लियर करने में ये 1000% हेल्पफुल होने वाला है। सो एकदम क्लियर तरीके से आप लास्ट तक इसको देखते जाइए। देखिए, आपके 4 सब पेपर हैं, क्लियर है आपको? 4 पेपर है आपके, अकाउंटिंग, लॉ एंड बीसीआर, मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स, एंड एज वेल एज इकोनॉमिक्स एंड आपका बीसीके। देखिए, आपको प्रिपरेशन करते वक्त आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। आपको अभी आपने जब अपना ट्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो फिलहाल आपको सारे पेपर्स को एटलीस्ट करके 2 आवर्स डेली आपको स्टडी करना है। 2 आवर्स आपको सभी पेपर पे स्टडी करना है। जैसा, ऐसा नहीं है कि 2 आवर्स एग्जैक्ट खत्म होते ही आपको उसको बंद कर देना है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग का कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने स्टार्ट किया, उसको रिविजन करना, और आपको अच्छा लग रहा है, आप रिविजन करे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे के बाद आप उसको बंद करके दूसरे सब्जेक्ट में लग जाओ, थोड़ा रेस्ट ले करके। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उसको कर डालो, खत्म कर डालो। उस दिन आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कम फोकस कर लो, थोड़ा चलेगा। लेकिन ऐसे मैंने आपको ये ऑन एन एवरेज के लिए लिख के रखा है कि कम से कम 2 आवर्स पर पेपर का आप एक स्ट्रेटेजी लेके चलो। ये 45 डेज आपका लास्ट का जो डेज बचे हुए हैं, ऐसे डेज 45 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैंने 45 डेज ही रखा है, बिकॉज कि अभी कुछ आपके साथ एबनॉर्मेलिटीज, या आपका बुखार हो गया, कहीं घूमने चले गए, या फिर फेस्टिवल्स वगैरह है सामने, तो इसके लिए मैंने आपको 45 डेज ही लेके मैं चल रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि डेली सभी सब्जेक्ट्स को आपको कम से कम 2 आवर्स रिवीजन पे देना है, रिवीजन पे 2 घंटे आपको देना है। अगर आप मान लो मैथ्स कर रहे हो, किसी दिन आपने टारगेट ले रखा है कि मैथ्स का हमें ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, एक मैथ्स का, एक स्टैट्स का, अगर आपको टारगेट है तो उसको खत्म करो। उस दिन आप दूसरे सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कम टाइम दे लो, या फिर आप अदर कोई जो सब्जेक्ट है लॉ पे, उस दिन थोड़ा कम टाइम दे लो, 1 घंटे दे लो, 1.5 घंटे दे लो, ऐसे करके आप टाइम अपना दे सकते हो। दूसरी बात कि आप सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करना नहीं भूले। सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उससे आपको प्रैक्टिस करने होंगे, खास करके अकाउंटिंग और मैथ्स के जो उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से, मैथ्स, स्टैट्स और एलआर के जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से उसमें से प्रैक्टिस करना होगा। आप सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को इग्नोर करके नहीं, ऐसा नहीं कि आपने अभी तक अपना बुक ही नहीं ओपन किया हो या रखा हुआ हो, आपने उसको यूज ही नहीं किया कि ऐसे रहने देते हैं, हम सारे चीज कर लेंगे। मॉड्यूल से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आपको प्रैक्टिस करने है। ऐसा नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे भी स्टडी मटेरियल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, आपने किया भी है प्रैक्टिस, और मैथ्स का तो पूरा ही पूरा कराया हुआ है, पूरा ही पूरा उधर से ही है, तो आपने कोई इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप करो। लेकिन जो बच्चे अगर सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अब तक यूज नहीं किया, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जरूर से प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी बात कि आपको पास्ट पेपर्स और सजेस्टेड आंसर्स जो है इंस्टीट्यूट के, पास्ट पेपर्स जो है, कम से कम आप 5 से 6 एग्जाम टर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो, कम से कम 5 एग्जाम टर्म्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका एग्जाम्स का प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए, और टारगेटेड टाइम में करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम लेके बैठे तो आप उसको 5 घंटे में कर रहे हो, 6 घंटे में करो, वैसे नहीं करना है आपको, एक टारगेटेड टाइम में आपको सॉल्व करना है, और जो आपका रॉन्ग हो रहा है उसको दोबारा से आपको करेक्शन करना है, दोबारा से भी उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो गलत हो गया, उसको आप दोबारा नहीं देखोगे, उन क्वेश्चन को आपको देखने, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, एकदम वैसे ही टाइप के क्वेश्चन दोबारा करके इंस्टीट्यूट डेटा चेंज करके देती है एग्जाम्स में।
तो आपको उसे करने हैं। एंड इसके बाद जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, मेनली लॉ, मैंने लिख भी रखा है यहां पर, मेनली लॉ सब्जेक्ट जो आपका है, देख लीजिए लॉ सब्जेक्ट। बहुत बार ऐसे क्या ना कि ये आपका रिटेन एग्जाम्स है, ये आपका लॉज का रिटेन एग्जाम्स है, तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि ऐसे थ्योरीज उनके बहुत अच्छे से सारे जगह पे लेक्चर्स होते हैं, भाई बच्चे ने लेक्चर सुन लिया, लेक्चर से समझ भी लिया, मजा भी आ गया, बहुत अच्छा से सबसे अच्छा लॉ समझ में आया, ओके। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आपके फेज की बारी है तो आपको भी तो मेहनत करना होगा ना, तो आपके फेज की बारी है तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस आंसर्स जो उसके हैं या टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ाए गए सारी चीजों को उसे आपको लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। लॉ के पेपर में आप मैक्सिमम चीजों का अगर जब भी कुछ पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, तीन तीन चार पेज करते हो, तो कम से कम दो पेज वहां पे लिख करके प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो एग्जाम्स में आप सोचेंगे कि डायरेक्टली जाकर के वहीं पर हम तहलका मचा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पहले से लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के आप एग्जाम्स में सही आंसर लिख कर आ सकेंगे। अदरवाइज आप भूल भाल कुछ भी गलत सलत लिख कर आएंगे और जिससे पास होना आपका दिक्कत हो जाएगा। सो पहले से आपको इन पेपर्स में बीसीआर के भी क्वेश्चंस आंसर्स को आपको लिखना है, हालांकि वो बहुत इजी भी है, लेकिन लॉज पे आपको ज्यादा करके फोकस करना है। इसके बाद आपको जो पांचवा नंबर स्ट्रेटेजी है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपको सारे पेपर का 2 घंटे करके प्रैक्टिस करना है ऑन एन एवरेज, मैंने बताया, लेकिन किसी पेपर में आप 3 घंटे भी किसी दिन जा सकते हो, वो डिपेंड करता है, आपको मैनेज करना है, सेल्फ से मैनेज करना है। दूसरा, आपको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करते रहना है, ये एकदम जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, लास्ट में हम लोग देख लेंगे इस चीज को। लॉ के पेपर को लिख के रिवीजन करना है, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जैसे उनके बहुत अच्छा से अकाउंट्स पढ़ाया गया, अकाउंट्स की कॉपी उनकी पूरी रेडी है, मैथ्स स्टेट्स एलआरबी उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों ने क्लासेस में जब ट्यूशन पढ़ने के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों ने क्लासेस में प्रैक्टिस किया, लेकिन रिविजन करते वक्त कैसे स्ट्रेटेजी में रिविजन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कॉपी पलटते हैं, देख लेते हैं, अच्छा ये ऐसे बना है, इसका एडजस्टमेंट ऐसे है, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट है, ये मैथ्स का सम ऐसे बना है, इस तरीके से आप उस टाइम पे तो अपने माइंड में ले लोगे, बट एग्जाम्स में करते वक्त आप अटक सकते हैं, इसलिए आपको अकाउंट्स का आपका रिटेन है और मैथ्स भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप एग्जाम्स में उसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस करने की हैबिट डालना है, मेनली अकाउंट्स को आपको बिना लिखे आप प्रैक्टिस नहीं करो, आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से अगर आता भी है तब भी उसके कुछ क्वेश्चंस आप जरूर से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस को सही करके आ पाएंगे और तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है सीए फाउंडेशन में जिसमें आप 90+ स्कोर भी कर सकते हैं, सिंपल पेपर होता है, आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको मैंने क्या लिखा, डू नॉट रीड ट्यूशन कॉपी ओनली, आपको मैंने ये लिखा, ट्यूशन कॉपी से ऑब्वियसली पढ़ना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूशन कॉपी से आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ट्यूशन कॉपी से सिर्फ रीड नहीं करना है, मैंने ट्यूशन कॉपी से ही पढ़ना है आपको, मॉड्यूल तो यूज करना है इंस्टीट्यूट का, ट्यूशन कॉपी से ही आप वहीं से तो सीखे हो, वहीं से पढ़ोगे, और कहां जगह आपके पास, तो वहीं से आप सीखे हो, वहीं से पढ़ोगे, बट रीड नहीं करना आपको उस क्वेश्चंस को। ऑब्वियसली आपके पास स्टडी मटेरियल्स भी होगा टीचर्स के, आप स्टडी मटेरियल्स निकालो, वो क्वेश्चंस आपके कॉपी में सॉल्व भी है, वैसे क्वेश्चंस को रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद खुद से कॉपी में सॉल्व करो, आप देखोगे रुकोगे, कहीं ना कहीं अटकोगे, उस चीजों को आपको फिर से दोबारा से समझ करके 2 बार 3 बार जिस क्वेश्चंस में आप रुक रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, तभी जाकर के आप एग्जाम्स में सही कर पाओगे। बिल्कुल आपको ट्यूशन कॉपी से ही रिविजन करना है, बट सिर्फ रीड करके गो थ्रू करके चले गए, ऐसे पूरा कॉपी देख लिए दिमाग में आ गया, और कोई विद्यासागर तो है नहीं कि 45 डेज तक एग्जाम्स तक उसको पूरा याद रहेगा, अगर 2-3 बार भी देख लिया तो एग्जाम्स में जाकर के अगर कॉपी में आपने लिख करके याद नहीं किया, लिख करके प्रैक्टिस नहीं किया, तो एग्जाम्स में आप बिल्कुल गलत करेंगे, एकदम 100% कहीं ना कहीं जाकर आप रुकेंगे और वो जगह आपका सम स्टॉप हो जाएगा पूरी तरह से। जब हम लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारा ब्रेन और ये फिंगर दोनों कनेक्ट होता है और फिर जाकर के आप एकदम अच्छे से जाकर के एग्जाम्स में सॉल्व कर पाओगे, 100% करेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट, आपको एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कम से कम दो तीन आरटीपी एमटीपी आपको सॉल्व करने हैं, और एज वेल एज कुंजय गौरव यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के आफ्टर दिवाली सभी सब्जेक्ट्स के पावर पैक रिवीजन आने वाले हैं, तो उस रिवीजन को आपको जरूर से ज्वाइन करना है, जिसमें 1 दिन में 2 दिन में आपको बहुत सारे चीजों को ऐसे करके रिवीजन कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स के कराए जाएंगे। सो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुंजय गौरव चैनल यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लो, इस पे सारे रिविजन्स आएंगे, रिविजन्स आपको सारे क्लासेस अटेंड करने, अगर आपने लाइव रिविजन अगर लीव कर दिया तो आप बाद में उसके वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो सारे अवेलेबल नहीं रहेंगे, सारे वीडियो
बैकअप में देखने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, कुछ एक वीडियो रहेंगे, लेकिन लाइव में सारे आप आकर के ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारे काम आपको करना है, इसके बाद आपका फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा अगर आपने इतना काम कर लिया तो। लेकिन आपको ये सारे चीजों को एकदम अभी अपने रूटीन में, डेली रूटीन में शामिल करना है, और आपको डेली रूटीन में शामिल करके और इसको टाइम टू टाइम अपने इस पूरे शेड्यूल बना लो एकदम पढ़ाई का, दो दो घंटे का स्लॉट बना लो, चार स्लॉट में आप बैठो घर में और सेल्फ स्टडी अपने करो, ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम और भी आपको स्ट्रेटेजी के वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम्स में, अब इतने दिन रह गए हैं, कैसे आप रिविजन करो, कैसे प्रिपरेशन करो, मैं सारी चीजें आपको शेयर करूंगा। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच एवरी वन, ऑल द वेरी बेस्ट।